चल छोड़ गंदी आत्मा, निकले इसके अंगों से, इसके गले से, चल निकल गंदी आत्मा, छोड़ इसके गले को, चल छोड़, चल चल, कि नाम की है तेरा, तूने पकड़ा इसके गले को। इतनी मुश्किल थी, डॉक्टर ने की क्या सी? डॉक्टर ने कहा कि भी कोई गल नहीं, दवाई तो खाओ तेरे जख्मे पे, आप फिर मान आ जाएगा। दवाई मैं बड़ी खाधी पर मैनू कदे फर्क नहीं पाया, क्योंकि गले के अंदर यहाँ पे जख्म हो गया था। क्या हो गया था? अंदर जख्म, अंदर जख्म था, और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। बड़े डॉक्टर बदले में देखो, क्योंकि जब बंदा तकलीफ में होता है, बोलो क्या, जब बंदा तकलीफ में होता है तो उसे पता है कितनी मुश्किल है। इन्हें पता है कि कितनी मुश्किल में थी। अगर मेडिसिन खाने से आराम मिल जाए तो ओके, हाँ अच्छी बात है, बोलो क्या है, अच्छी बात है, पर मेडिसिन खाने से भी अगर हल ना हो तो बंदा कहां पे आए, क्या करे फिर? इस सिस्टर का नाम निर्मल है और मुदल गांव के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रही के एक हफ्ता हो गया था, इनके गले में बहुत ज्यादा दर्द थी, और जे बता रही के जब भी जे खाना खाते तो खाना खाने में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम आ रही थी, और जब जे सिस्टर डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने मेडिसिन भी लेकर आए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपके गले में जख्म है जिसके कारण आपको जो प्रॉब्लम है, और खाना खाने में भी इनको प्रॉब्लम आ रही थी, और जो बता रहे हैं कि मेडिसिन से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, बहुत ही जो बात करने भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, और जिसके कारण जो बहुत ही परेशान हो गए थे। और जैसे जो सिस्टर पिछले मंडे की मीटिंग में, पर्सनल मीटिंग में आए, और जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया, और जैसे जे प्रभु के दास के साथ जब मिले और उन्होंने इनसे बात की, और इन्होंने बताया कि ऐसे मेडिसिन भी ले रहे हैं, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके गले में जख्म है, क्योंकि इनकी आवाज़ भी नहीं थी निकल रही, और जैसे ही प्रभु के दास इनको और भी टीच किया, उत्साहित किया, और इनके लिए जब प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। चल छोड़ गंदी आत्मा, निकल इसके अंगों से, इसके गले से, निकल गंदी आत्मा, छोड़ इसके गले को, चल छोड़, चल चल, कि नाम की है तेरा, तूने पकड़ा इसके गले को, तूने दिया जख्म, जख्म तूने दिया ऐसे, हाँ तूने दिया जख्म, कौन है तू? ये बहुत बहुत दिया थे तो इन्हें तो आना है, हाँ ओए शतम, इन्हें तो आना आना है, ये तो यीशु मसीह दे लहू नाल खरीदया है परमेश्वर नु, हाँ बोल, इन्हें तो आना ही आना है, पर तेनु जाना पैना है, पता कि नहीं पता, हाँ बोल, कि नाम की है तेरा, हाँ मैं बचपन में हूँ, हाँ बचपन में, बचपन तो हाँ, कि नाम की है तेरा, चल बोल, हाँ तेन भी पता है यीशु मसीह की बेटी है, उत्ते शास कर दी है, हाँ बोलो, तेनू नहीं पता यीशु मसीह की बेटी है, पता कि नहीं पता, पता है ना, फिर तू क्यों आना है, क्यों नहीं आन देना, इन्हें तो आना है, हाँ तू कौन हो ना इन्हू आने तो रोकन दी, हाँ बोल, तू कौन होना है, बोल, तेनू कि अधिकार दिता है पीनू और नहीं देना मैं, हाँ चल छड छड छड, गंदी आत्मा निकल, छोड़ उसके गले को, उसके अंगे से हमेशा के लिए चल, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं तुझे शैतान, चल निकल निकल निकल, बोल बोल अपना नाम की है तेरा, जल्दी की नाम है, चल
खेत्र खुत्र पाल तू जो कोई भी है छाडो ते गले नू ते शरीर नू यीशु मसीह दे नाम च मैं खुदा दा दास होण दे तेनू आज्ञा करदा चल उठ आउट हमेशा के लिए निकल इसके शरीर से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस चल फ्री फ्री निकल जा पूरी तरह से छोड़ दे उसके गले को उसके अंगों को चल इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस फ्री 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 चल तेरे नाम से इसके अंगों से डिस्कनेक्ट करता हूं शैतान की जितनी भी पावर है इसके अंगों से इसके अधिकार को इसकी ताकत को यीशु मसीह तेरे नाम से कैंसिल करता हूं फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस यस खुदा मैं आजाद घोषित करता हूं आमीन। और दुष्ट आत्मा से इनको पूरी तरह से छुटकारा मिल गया और जो इनकी आवाज से आवाज नहीं निकल रही थी और उसी दिन इनका जो गले से आवाज बंद थी परमेश्वर इनके गले को भी खोल दिया और उस सामर्थ उस क्रेज के द्वारा जब बता रहे कि उसी दिन इन्होंने जब इन जब बोले और जब बता रहे कि पूरी तरह से इनके गले में जो जख्म थे डॉक्टर ने बताया था पर जब बता रहे इनको कोई जख्म नहीं थे कुछ नहीं थे इन्होंने पानी भी पिया और जब बता रहे उस दिन से अभी जो खाना भी खा रहे पूरी तरह से अच्छे से बात भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिस प्रॉब्लम से आज पूरी तरह से परमेश्वर इनको छुटकारा दे दिया है इस गुवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद देते हम सब तारीफ करेंगे के लिए इसे अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सुनो सुनो अब कुछ लोग कहते हैं संसार के कि दुष्ट आत्मा कुछ नहीं है ये सब पखंड है। हाँ बोलो क्या है लोग कहते हैं पखंड है। अब इनसे पूछो जिनके साथ इनकी हालत क्या हो गई थी पानी तक नहीं अंदर जाता था खाना तो दूर की बात है अंदर इनके जख्म बना हुआ और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बस कोई बात नहीं है ये मेडिसिन खाओ ठीक हो जाएगा पर ये इतनी तकलीफ में थे। इनको माइक देना थोड़ा बाबा जैमसी की बहुत दादी मैं तो साल जो थोकन का नहीं थोको नहीं नंगदा क्या नहीं नंगदा मतलब जो मैं अपना थोकन का नहीं वो भी नहीं नंगदा वो भी मतलब जैसे मुंह में ऐसे आ जाता है ना पानी सा तो वो भी नहीं अंदर को जाता था ना अपना वो भी नहीं नंगदा इतनी मुश्किल थी डॉक्टर ने की क्या सी डॉक्टर ने कहा कि कोई गल नहीं दवाई तो खाओ तेरे जख्मे ते अपन मान आ जाएगा दवाई मैं बड़ी खाधी पर मैनू कते फर्क नहीं पाया क्योंकि गले के अंदर यहाँ पे जख्म हो गया था क्या हो गया था अंदर जख्म अंदर जख्म था और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं आप दवाई खाओ ठीक हो जाएगा बड़े डॉक्टर बदले में देखो क्योंकि जब बंदा तकलीफ में होता है बोल गए जब बंदा तकलीफ में होता है तो उसे पता है कितनी मुश्किल है इन्हें पता है कि कितनी मुश्किल में थी अगर मेडिसिन खाने से आराम मिल जाए तो ओके हाँ अच्छी बात है बोले क्या है अच्छी बात है पर मेडिसिन खाने से भी अगर हल ना हो तो बंदा कहां पे ही आए क्या करे फिर इतनी तकलीफ में थे ये पर सच में उसने कहा मैं कुचले हुओं को थपे हुए लोगों को शुढ़ाने के लिए आया क्या हूं मेरे पिता ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया है कि मैं दबे हुए कुचलों को क्या करूं शुडाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का और परमेश्वर की सुसमाचार उसकी उसकी खुशी का प्रसन्न रहने का यह सुसमाचार लोगों को सुनाऊं यही सुसमाचार हमने सुना और उसी के नाम से आज हम लोगों को बताते हैं उसी अधिकारी नाम से वो अंधकार जो दुष्ट लोगों के जीवन में फैलाता है क्या फैलाता है क्योंकि अंधकार है ये एक पाप है परमेश्वर कभी भी किसी को मैंने पिछले दिनों में बताया कि वो तो किसी को जुकाम भी नहीं देता हल्की सी सिर में दर्द भी नहीं देता इतना बला परमेश्वर और मनुष्यों को प्यार करने वाला परमेश्वर जब
लोगों को नहीं पता होता, जैसे संसार के लोग तो कहते हैं कर्मों का फल है, जो कर्मों में लिखा वही होगा, तो वो कर्मों को लेकर बेचारे झेलते रहते सारी उम्र। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसका ज्ञान मैंने समझा, जिसके पास आप आए हो। क्या आए हो? जिसके पास आप आए हो। अगर ये प्रभु में ना होते सोचो क्या होता। धन्यवाद है उस परमेश्वर का के जिसने इन्हें अंधकार में इसे बुलाया है और उसी के नाम से आज इन्हें उस दुष्ट आत्मा से, उस रोग देने वाली आत्मा से, जितने इनकी हालत कितनी खराब कर दी थी, क्या कर दी थी, उसी की सामर्थी नाम से आज ये आपके सामने भले चंगे, बोलो क्या है, भले चंगे खा रहे पी रहे। उसी दिन से परमेश्वर ने आजाद किया है उस खुदावन के लिए, उस नासी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, जैसे इन्हें दिया और वो सबको देगा, उसके नाम की तारीफ करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए। तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू।